कांग्रेस एक तरफ जहां कर्नाटक में सीएम चुनने में व्यस्त है, आलाकमान माथापच्ची कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने ही गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने 5 दिनों की पैदल यात्रा निकाली थी जो जयपुर में जाकर खत्म हो गई। जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने गहलोत सरकार को अब 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सचिन पायलट की जन संदेश यात्रा का 5वां और आखिरी दिन अजमेर से यह यात्रा करीब 125 किलोमीटर की शुरू हुई थी और इस दौरान वसुंधरा राजे सरकार में हुए करप्शन की जांच की मांग को लेकर जनता के बीच अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं। पायलट का यह कहना है कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी इन्हीं मुद्दों के आधार पर उसने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जनता के बीच माहौल खड़ा किया था और जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने पर इनकी जांच कराई जाएगी, लेकिन अब तक जांच नहीं हुई है। 4.5 साल से वक्त बीत चुका और ये देखिए आप जन संदेश यात्रा का नजारा, उनके समर्थक यहाँ पर सचिन सचिन कह के इस तरह से नारे लगा रहे हैं और यही उत्साह सचिन पायलट को इस जन संदेश यात्रा में एक नई ऊर्जा एक नई शक्ति प्रदान कर रहा था। यह जन संदेश यात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ी परेशानी की वजह हो सकती है, लेकिन सचिन पायलटों के समर्थक के बीच में यह अपने आप में बड़ा उत्साह संचार करने वाली है। यही वजह है कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट पिछले 5 दिनों से पैदल यात्रा पर थे। बीते 11 मई को सचिन पायलट ने अजमेर से अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। करीब 125 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 5वें और आखिरी दिन पायलट की पैदल यात्रा जयपुर पहुंची। सचिन पायलट ने यह पदयात्रा अपनी ही सरकार के खिलाफ निकाला था। अब सचिन पायलट यहाँ पर लगातार अपने समर्थकों के साथ पैदल आगे बढ़ रहे हैं और इस दौरान वे गांव गली मोहल्ले हर जगह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव के वक्त वादा किया था सरकार बनने के बाद उसे पूरा नहीं कर पा रहे। हालांकि सचिन पायलट इससे पहले भी अनशन कर चुके हैं और अनशन के जरिए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता चुके हैं। एक बार फिर से वह आंदोलन की राह पे और ऐसा समझा जा रहा है कि सचिन पायलट की यह नाराजगी कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में काफी मुश्किल साबित हो सकती है। दरअसल पायलट का आरोप है कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता को कांग्रेस ने वायदा किया था कि वो वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करवाएगी, लेकिन उनके बार बार पत्र लिखे जाने के बाद भी सीएम अशोक गहलोत ने इन मामलों की जांच नहीं करवाई। 4.5 साल का वक्त बीत चुका है और चुनाव सिर पर है, ऐसे में पार्टी को जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि जहां कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल की, वहीं राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच तक नहीं करवा रही। जो संदेश आप जनता के बीच देना चाहते थे क्या वह पहुंच रहा है? जनसंघर्ष यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है वो मेरे उठाए हुए मुद्दों को मिल रहा है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। करप्शन पे प्रभावी कार्रवाई हो, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सके, इन मुद्दों को लेकर चले थे। मुझे विश्वास है हमारी आवाज को सुनी जाएगी। आपने पहले भी सरकार को अपनी बात सुनाने की कोशिश की थी कि जो वादे किए थे उसे पूरा करना है, क्या आपको लगता है आप इसका असर नजर आएगा? मुझे लगता है पब्लिक की आवाज सुननी चाहिए, सरकार को, संगठन को, नेताओं को, और भाजपा के शासन ने करप्शन को मुद्दा हम सबने इकट्ठा बल के बनाया था। अब 4 साल बाद कार्रवाई नहीं हो रही, जनता सवाल पूछेगी, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। अपने इस जनसंघर्ष पैदल यात्रा से पायलट ने अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों को दूर रहने को कहा है, लेकिन यात्रा के आखिरी दिन हेमाराम चौधरी अपने नेता सचिन पायलट के साथ पैदल चलते नजर आए। मंत्री हेमाराम चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि अगर गहलोत सरकार मांगे नहीं मानती तो फिर आने वाले चुनाव में मुश्किल खड़ी हो सकती है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा था चुनाव लड़ने के लिए, उसी मुद्दे के आधार पर जनता ने हमें समर्थन दिया और फिर हम उस मुद्दे को अगर छोड़ देंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाला 2023 का चुनाव हम कैसे जीतेंगे? जयपुर पहुंचने के बाद पायलट की यात्रा जनसभा में तब्दील हो गई। पायलट की सभा में लोगों का भारी हुजूम उमर पड़ा। जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट एक बार फिर अपनी सरकार पर आक्रामक हो गए। पायलट ने 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अब पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा।
एक खास बात यह भी कि पायलट की इस पूरी यात्रा के दौरान न तो कहीं कांग्रेस का झंडा था, न ही गांधी परिवार के किसी शख्स की कोई तस्वीर दिखी। हर जगह तिरंगा लहरा रहा था। बहरहाल, इस यात्रा का गहलोत सरकार पर क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पायलट की इस नाराजगी से ये भी साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में अपने ही नेताओं से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जयपुर से KJ श्रीवास्तव, न्यूज 24।